आखिरी बॉल है भाई, एक और छक्का। मनोज भाई एक से बढ़कर एक छक्के मारे हैं यहाँ पर, बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे भाई। मेगा छक्का था ये भाई, बहुत ही लंबा छक्के मारे उन्हों, वाह बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे भाई। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन वीडियो सीरीज में। तो बहुत ही शानदार तरीके से पिछले साल की तरह इस साल भी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के पावन पर्व पर अपने लिंबी चिंचोड़ी गाँव के जनक्रांति युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के द्वारे बहुत ही खूबसूरत जो है क्रिकेट स्पर्धा जो आयोजित की गई है। पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सभी मैचेस में हम शामिल हुए थे, लेकिन इस साल जो है अनफॉर्चुनेटली अपने को शामिल होने का मौका मिला नहीं क्योंकि कॉलेज वगैरह चालू था। तो फिर चलो आज जो है फाइनल्स का दिन है, फाइनल सेमीफाइनल जो है मैचेस आज होने वाले, आज जो है दाल चावल का वगैरह भी जो आयोजन किया गया है बच्चों के लिए। तो फिर चलो दादा अपने को लेकर आते टाइम को गाड़ी पर, देखेंगे बोलते आगे क्या होता पत्रकार तो पटेल यूट्यूब से। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे अमोल भाई गायकवाड़ बेहतरीन जो है कमेंट्री कर रहे, हमारे सब जमादार साहब बड़े बड़े लोग आए ले छुट्टी वगैरह लेके फक्त क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, यूसुफ भाई जमादार बोलो, उनके बड़े भाई बोलो, माशाल्लाह तरीके से सब चल रहा। जिलानी भाई निवान थोन थे एक नंबर, एकदम जबरदस्त तरीके से जो है मैच चल रही। वालेकुम अस्सलाम जनाब निवान था, सभी बच्चे लोग जो है अच्छी तरीके से दाल चावल का लुत्फ उठा रहे, हाँ को ऐसे में शुक्रिया, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा भाई। चलो अच्छा, अरे शुएब भाई तुम ना सुन रहा था मैं, बोलो बिस्मिल्लाह वेला, बहुत ही बेहतरीन भाई। चलो बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम चल रहा भाई, सब बड़े बड़े लोग जो है यहाँ आए ले हमारे गाँव के, सलीम भाई बोलो, हमारे सब सब बड़े बड़े लोग आए ले यहाँ पर माशाल्लाह भाई। तो ये खूबसूरती हमारे गाँव के, हमारे गाँव के भूदेव बड़े बड़े साहूकार जमींदार लोग अभी एक जगह पर बैठ को खाना खा रहे बच्चंदा के साथ, ओसो बड़े लोग आए, ओसो उनका 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 बड़ापन इसमें चाहिए कि उन्होंने छोटे लोग हम बैठ को खाने के है कि नहीं? नहीं नहीं, बोलो बिस्मिल्लाह, बोलो बिस्मिल्लाह, खाक लियो खाक लियो, निवान खाओ खाओ अच्छी तरीके से खाओ, मत अमर भाई निवान तला, चलो बहुत ही अच्छी तरीके से खा रहे सभी जने, देखेंगे बोलते अभी फाइनल मैच होंगी थोड़ी देर में, सेमीफाइनल फाइनल खाना खाने के बाद। मंडप का सपोर्ट देने वाले हमारे माशाले साहब भी आए ले यहाँ पर, रामपुरे साहब भरत रहे सभी जने को, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा भाई ये माशाल्लाह। हमारे गांव के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के पावन पर्व पर जो है क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की है, सो आप सभी लोगों को पता छे, और उसके साथ साथ जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दाल चावल का भी जो आयोजन किए ले, और ये खूबसूरती है हमारे गाँव की कि एक प्लेट में बैठ को जो है तुम यहाँ पर देख सकते, हर समाज के हर धर्म के हर पंथ के हर वर्ण के लोग जो है बैठ को खाना खा रहे हैं यहाँ पर, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं कोई कुछ नहीं, सभी लोग जो है सिर्फ भारतीय बन को जो है खाना खा रहे, सिर्फ मराठे बन को खाना खा रहे, सभी लोग जो है सिर्फ मावड़े बन को खाना खा रहे, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है ये हमारे भारत देश की खूबसूरती है, और अल्लाह जो है इसी खूबसूरती को जो है ताकयामत बरकरार रखे, और हम सभी लोगों को जो है हमेशा ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ एक जगह पर बैठ कर एक ही प्लेट में बैठकर जो है खाना खाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, तो चलो देखेंगे बोलते और आगे क्या होता है। अभी थोड़ी देर में जो है सेमीफाइनल और फाइनल की मैचेस जो है होंगे, जिसे हम पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे बोलते। चलो शोभू शेठ हमारे सोलू शेठ दोनों हमारे गाँव के करोड़पति लोग में शामिल है, और यहाँ पर आए तो सभी मेहमानों को जो है बेहतरीन तरीके से खाना बरतने में लगे ले, इनकी मेहनत जरा भी आया जाना नहीं बस वही, तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे भाई सब, क्रिकेट टीम के बच्चंदा भी अच्छी तरीके से खाना वगैरह खा रहे, उधर हमारे सब पंच कमेटी के बच्चंदा बैठे ले, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई माशाल्लाह।
तो फिर चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से जो है सेमीफाइनल मैच जो है शुरू हो चुकी है। सोलापुर वर्सेस सोलापुर की जो है ये सेमीफाइनल मैच है। टॉस जो है सोलापुर ने ही जीता है यहाँ पर, और अभी जो है टीम का जो है आउट भी गया, एक विकेट भी गिरा है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से दर्शक लोग भी जो है पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे मैच को। वाह, मोबाइल लेके भी जो है अभी पूरा एक साल वेला है माशाल्लाह तरीके से। वही तो, इसी टूर्नामेंट के वक्त जो है पिछले साल हमने मोबाइल खरीदी किया था। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है बॉलिंग चल रही है यहाँ पर। सेमीफाइनल है, इसके बाद जो कोई भी जीतेगा वो सीधा जो है फाइनल मैच में जाएगा शायद। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से जो है टूर्नामेंट चल रहा है। वाह, हमारे प्रफुल भाई को और इलाई भाई को जो है यहाँ पर अंपायर बोल के रुके ले, और उधर जेवरे मालक ठहरे से ही हूँ सामने से अंपायर बोल के लेग अंपायर। बहुत ही सही तरीके से पूरा फील्डिंग वगैरह भी सेट हुई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। ओ भाई, बहुत जबरदस्त था ये चौका, बहुत जबरदस्त था ये चौका, बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल रहे भाई माशाल्लाह। इतने धूप में भी खेल खेलना बोले तो, क्रिकेट खेलना बोले तो बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगती, और ये बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ जो है खेल रहे हैं माशाल्लाह। भाई क्या बॉलिंग कर रहा है इन, जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही शानदार तरीके से जो है चल रहा भैया। अनस्टॉपेबल वॉरियर्स है बॉलिंग करने वाली टीम का नाम, फील्डिंग करने वाली टीम का नाम। वाह क्या छक्का था भाई ये, वाह बहुत ही ज़बरदस्त छक्का था ये माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा खेल रहे यार, मतलब अपने देश में टैलेंट की कमी नहीं है, मालूम क्या टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं अपने देश में। सही है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा भैया। भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था ये, क्या छूटा यार, धूप बहुत है रे, धूप बहुत है, कैच था ये लेकिन बहुत ऊंचा था और धूप की वजह से दिखता नहीं, मालूम क्या अक्या चमकते, मालूम क्या अक्या चमकते, बहुत बहुत ही अवगड़ है भाई। श्री जगतगुरु रेवंत सिद्धेश्वर महाराज मैदान में जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पूरा क्रिकेट टूर्नामेंट जो है अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे लोग खेल रहे, वाह यार बहुत ही जबरदस्त। भाई और एक छक्का, क्या खेल रहे हैं ना यार, ओवर खत्म हुआ लेकिन ये ओवर में बहुत ज्यादा जो है छक्के चौके गए यार, बहुत सारे छक्के चौके गए माशाल्लाह, 27 रन गए, 27 रन माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे भाई, बहुत ही सही भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा। दो ओवर, दो ओवर 27 रन वेले, अभी जो है नो बॉल फ्री गया था थोड़ी देर पहले ही, और अभी एक और चौका गया। बहुत ही शानदार तरीके से ये टीम जो है यहाँ पर बैटिंग कर रही, बहुत ही खूबसूरत है भाई। अभी तक एक भी विकेट जो है नहीं रहा है यहाँ पर। आपकी टीम का नाम क्या है? एकता सीसी, क्या एकता सीसी और अनस्टॉपेबल वॉरियर्स के बीच में ये मैच चालू है। भाई क्या ऊपर गया बॉल, ये पकड़ दे क्या, ओ भाई क्या छोड़ दे फील्डर, बहुत ही अवगड़ है यार ये, बहुत ऊंचे जा रहे शॉट्स और धूप की वजह से जो है बॉल नहीं दिख रहा अनफॉर्चुनेटली। अक्या जो है चमक रहे, धूप बहुत ज़्यादा है, और कैसे है अभी शाम की जो धूप रहती है वो सीधा आँखियों पर गिरती है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत मैच चल रही भाई। नहीं, बहुत ऊपर से गला बॉल, ओ भाई ये विकेट था, पर ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बॉलिंग किए इन्होंने,
अभी जो है हमारे यूसुफ भाई जमादार जो है ये कर रहे कमेंट्री, बहुत ही खूबसूरत चल रहा भाई मैच। भाई ये कैच हुआ होता, वाह बहुत ही शानदार चल रहा भाई। प्रफुल भाई बहुत ही शानदार तरीके से हमारे ये कर रहे हैं, अंपायरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, डिसीजन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। अगली गेंद भाई बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही शानदार तरीके से तीसरा ओवर भी समाप्त हुआ है यहाँ पर, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार तरीके से बॉलिंग कर रहे थे भाई। अभी दो बॉल बहुत ही जबरदस्त किए, लेकिन यहाँ पर फील्डिंग भी उतनी जबरदस्त कर रहे हैं अनस्टॉपेबल वॉरियर वाले, बहुत ही खूबसूरत है भाई। बहुत ही खूबसूरत है भाई। अभी जेवरे मालक जो है इधर बाजू आए बॉलिंग करने, ये अंपायरिंग करने के लिए। प्रफुल भाई जो है लेग साइड को गए ले। बहुत ही शानदार मैच चल रही भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अभी कैच आउट हुए भाई, बहुत ही शानदार कैच पकड़े भाई, एकदम स्ट्रेट जो है ये पूरा शॉट गया था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ भाई ये शॉट, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनस्टॉपेबल वॉरियर्स यहाँ पर खेल रहे हैं। वाह जब से ये SJD भाई आए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं ना, बहुत ही जबरदस्त है भाई, बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह। और एक और नए प्लेयर आए ले उनके लिए यहाँ पर खेलने के लिए, एकता इलेवंस के लिए, बहुत ही जबरदस्त है भाई। अपने देश में टैलेंट की कमी नहीं है यार, अपने देश में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी जो है नो बॉल दिया है अंपायर साहब ने, शिट बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक से एक खतरनाक एक जो है यहाँ पर डिसीजन दिए जा रहे हैं अंपायर्स के द्वारा, और बहुत ही शानदार तरीके से पूरी मैच चल रही भाई है भाई। दो रन भाई, बहुत ही जबरदस्त है भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर यॉर्कर लेन बॉल थी वसीम भाई के द्वारा, और बहुत ही खूबसूरत जो है फील्डिंग भी चल रही है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैच चल रही भाई, बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही जबरदस्त। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैच चल रही माशाल्लाह। वसीम भाई अपने पिछले ओवर की गलतियां यहां पर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाई ये कैच हुआ होता लेकिन ये छक्का गया यहां पर। ओ भाई नहीं नहीं सिक्स नहीं था ये, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग हुई भाई, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग हुई यहाँ पर। 51 रन जो है एकता वॉरियर्स ने जो है पूरे किए हैं, लेकिन अनस्टॉपेबल वॉरियर भी जो है रुकने वाले नहीं है लग रहा मुझे। वाह ओ भाई कैच है, कैच है, कैच, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एक और विकेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है एकता वॉरियर्स का, बहुत ही जबरदस्त भाई, बहुत ही खूबसूरत। तो भाई लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से एकता वॉरियर्स ये टीम जो है खेल रही है, उनके प्लेयर्स एक से बढ़कर एक जो है शॉट्स यहाँ पर लगा रहे हैं, और अनस्टॉपेबल वॉरियर्स को जो है यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर उनकी पूरी टीम जो है उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रही, पूरी टीम जो है यहाँ पर मेहनत के साथ जो है अपने पूरे टीम मेंबर्स को जो है सपोर्ट कर रही। आप कौन सी एरिया से हैं आप सभी लोग? सोलापुर के, मैं करना चौक, अशोक चौक, करना चौक, वो पूरे एरिया के आप सभी लोग। कैप्टन का नाम क्या है आपके? विनोद दांगड़े। पुलिस साहब क्या कहा उन्होंने? ओ उधर गैस वाले क्या? तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा
तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपका स्कोर कितना जाएगा आप सभी का? 100 तक, 80-90 प्लस। अभी जो है 2 ओवर का मैच बचेला है, मारते आराम से। आपका स्टार प्लेयर है क्या वो लाल में खेलने वाला? एक और सिक्स, कैच पकड़े है लेकिन बॉल जो है सिक्स के बाउंड्री पर जाकर जो है पकड़े, इसलिए नॉट आउट क्या आउट है? हाँ सिक्स था ये, सिक्स था, सिक्स था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। उनका नाम क्या है? मनोज, मनोज माने भाई। क्या सोलापुर के स्टार प्लेयर है? वाह वाह, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर उनका हौसला बढ़ा रही है। तो फिर चलिए देखते हैं, इन्होंने बोल रहे कि 90 प्लस जो है स्कोर जाएगा, देखेंगे 90 की प्लस जो है स्कोर जाता है या नहीं जाता। बहुत ही शानदार तरीके से आखिरी ओवर का शुरुआत हुआ है और आखिरी ओवर के पहली बॉल पर जो है यहाँ पर छक्का मार दिया है भैया ने। बहुत ही शानदार तरीके से बॉलिंग चल रही भाई। आखिरी ओवर है, 78 रन जो है हो चुके हैं और ये अगर 6 रन मिला देंगे उसमें तो 84 जो है ये पूरा गया है स्कोर यहाँ पर। अभी 5 बॉल बचे ले। बहुत ही शानदार तरीके से मैच चल रही भाई, बहुत ही शानदार तरीके से मैच चल रही और सभी प्लेयर्स को जो है उन्होंने पूरा बाउंड्री के लाइन में जो है ठहरा किया है। सभी प्लेयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी प्लेयर जो है बाउंड्री के बाहर ही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा भाई मैच, एकदम क्या बोलते हैं, फील्डर्स को जो है दर्शक बना को छोड़े ले इन्हों, उतना जबरदस्त जो है बैटिंग कर रही सामने वाली टीम। बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही खूबसूरत चल रही है भाई मैच। भाई क्या शॉट था ये, कहाँ गया बॉल? बॉल जो है और एक बार बाहर गया। क्या छक्के मार रहा हूँ लड़का, वाह एकदम बॉल को जो है बाहर से निकल रहा हूँ पूरे बोला को। सलग दूसरा छक्का था इस ओवर का और बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं और बॉल जो है गमराज मालूम क्या, एकदम उतना जबरदस्त बॉल मार रहे उन्होंने। वाह छक्का जो है वो आदमी जहाँ बैठे ना वहाँ पर है लेकिन उन्होंने वो डिबरी के उधर बाजू मारे भाई। बहुत ही खतरनाक भाई, बहुत ही खतरनाक। अभी जो है आखिरी 2 बॉल के लिए जो है नए बॉलर को बुलाया गया है और डिसीजन वही है, उसी प्रकार से जो है एक और छक्का जो है उन्होंने यहाँ पर मार दिया है भाई। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो जो अभी थोड़ी देर पहले बॉलिंग कर रहे थे उन भाई का जो है हाथ अचानक से इंजोर हुआ बोलते बॉलिंग करते हुए, नए प्लेयर को बुलाए और नए प्लेयर को भी जो है वही उसी तरीके से जो है यहाँ पर एक और छक्का जो है मार दिया है उन्होंने। बहुत ही ज़बरदस्त भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। मेगा सिक्स का जो है इसी लड़की को मिलेगा ऐसा लग रहा, पारितोषिक आखिरी दिन। वाइड बॉल प्रफुल भाई और जेवरे मालक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर अंपायरिंग भी कर रहे। एक और वाइड बॉल, क्या चल रहा भाई है आखिरी ओवर में इतना अवगढ़। आखिरी बॉल है, भाई एक और छक्का, मनोज भाई एक से बढ़कर एक छक्के मारे हैं यहाँ पर। बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे भाई, मेगा छक्का था ये भाई, बहुत ही लंबा छक्के मारे उन्होंने। वाह बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे भाई, मनोज भाई को क्या बोलते आइकॉन प्लेयर है बोलते सोलापुर के, बहुत ही जबरदस्त भाई। अभी जो है आखिरी बॉल होगा इसके बाद। वाह बहुत ही जबरदस्त चल रही भाई मैच है। भाई एक और छक्का, एक और छक्का, एकदम बिजली की तेजी से जो है छक्के मार रहे भाई। 5 बॉल में 6 छक्के, 5 बॉल में 5 छक्के मारे बोलते माशाल्लाह। वाह साया पता 50 जो है कब का पार करे ले नो। वाह 100 रन का जो है टारगेट पूरा किए होंगे मनोज भाई। वाह यार आखिरी बॉल है शायद ये। वाह 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 बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा भाई, बहुत ही खूबसूरत। वाह एक और बाहर गया भाई बॉल, एक और छक्का। वाह हर बॉल को जो है उन्होंने बाउंड्री के बाहर भेजा है हर बॉल को। वाह 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 6 बॉल 6 छक्के यहाँ पर हो चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आखिरी ओवर जो है बहुत ही ज्यादा महंगा था, 6 बॉल 6 छक्के मतलब 36 रन और 2 रन जो है
वाइड बॉल के 38 रन का जो है ये ओवर था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पहली इनिंग जो है यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मनोज भाई ने जो है बेहतरीन खेल दिखाते हुए, प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम का स्कोर जो है 116 रन तक पहुँचा दिया है और अभी जो है अनस्टॉपेबल वॉरियर्स को जो है 7 ओवर में 117 रन जो है निकालने और 117 रन निकाल कर जो है यहाँ पर विजेता पद जो है हासिल करना है। तो फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने खेला है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रही मैच। तो भाई आपका नाम मनोज भाई है नहीं? मनोज माने। तो बहुत ही अच्छी तरीके से खेले आप, इससे पहले भी बहुत सारे मैचेस खेले होंगे आप सोलापुर में, हर जगह पर। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी तरीके से खेले। आपके हिसाब से आपको कितने रन मारे आपको लगता है ऐसा, क्या आप गिने नहीं? हर बॉल जो है बाउंड्री के बाहर जा रहा था, इनके बॉल बॉलर भी जो एकदम थक गए थे, उतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बैटिंग किया है। सभी फील्डर्स को जो है दर्शक बना के रखा था यहाँ पर और 6 बॉल 6 छक्के मारे आखिरी ओवर में, और आखिरी ओवर में ही जो है अपने टीम का जो स्कोर है 116 रन तक पहुँचाया। बहुत ही अच्छी तरीके से खेले भाई, बेस्ट ऑफ लक आपके भविष्य के लिए। और आपके हाथ के जख्म बताते कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते, बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से खेले आप, बहुत ही अच्छी तरीके से खेले, बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी जो है सेमीफाइनल की दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है जहां पर अनस्टॉपेबल वॉरियर्स जो है बैट करने के लिए आए हुए हैं और 117 रन जो है उन्हें यहां पर निकालने हैं। और पहले ही बॉल पर जो है यहां पर प्लेयर ने जो है उठा के मारने की कोशिश की है और ये बाउंड्री नहीं गई और बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। हल्लू 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 भाई, स्पीड भी मैनेज करो यार, बहुत ही शानदार तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट, एकदम जबरदस्त तरीके से 3 रन जो है इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त यार भाई, आराम से, बहुत ही बेहतरीन शॉट मार रहे भाई है। भाई क्या बॉल था ये, बहुत ही शानदार तरीके से गैप से निकाले बॉल पूरा। भाई कैच हो सकता है ये, लेकिन पकड़ लिया यार, क्या जबरदस्त कैच पकड़े, वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार तरीके से खेल रही भाई ये टीम। अभी जो है खुद इस टीम के कैप्टन जो है यहाँ पर आ रहे हैं, अनस्टॉपेबल वॉरियर इस टीम के, अपने टीम के जो है डूबती हुई है नैया को बचाने के लिए यहाँ पर टीम के कैप्टन साहब खुद आ रहे हैं माशाल्लाह तरीके से। तो फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे अक्षय भाई माली यहाँ पर सभी लोगों को जो है पानी का जो है बंदोबस्त कर रहे हैं, वाटर बॉय बने ले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमेटी के मेम्बर्स जो हैं ये सभी लोग मेहनत करके इस पूरे टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बने लें। अक्षय भाई बोलो, प्रफुल्ल भाई बोलो, जोरे मालक बोलो, मड़ीवाल परेड बोलो, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेते गएंगे तो पूरा वीडियो जो है नाम में चला जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से जो है अभी हैट्रिक चांस है। बाबा भाई भी जो है अभी आउट हुए, लेकिन वाइड बॉल, नहीं नहीं, दूसरा ओवर जो है शुरू हो चुका है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन और 2 विकेट जो है हुए थे, ये वाइड बॉल गया है। भाई ने जो है बहुत ही शानदार बैटिंग करके जो है टीम का इतना बुलंद जो है स्कोर सेट किया है टीम के लिए। बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से भागकर जो है रन बना रहे, लेकिन सिर्फ भागकर ही रन बनाना जो है यहाँ पर काफी नहीं होगा, यहाँ पर जो है लंबे लंबे शॉट्स भी जो है मारने जरूरी है। और इसी के साथ जो है इस पूरे मैच का दूसरे इनिंग का जो है पहला छक्का गया है, छक्का है, छक्का है, लगले बरोबर, छक्का है लाइन वर लगले, बहुत ही शानदार तरीके से जो है इस इनिंग का पहला छक्का यहाँ पर गया है और स्कोर जो है अभी डबल डिजिट में पहुंचा है, लेकिन अभी ट्रिपल डिजिट तक जो है इनको स्कोर पहुंचाना है। बहुत ही मुश्किल स्कोर है, लेकिन अनस्टॉपेबल वॉरियर है उनकी टीम का नाम, देखेंगे बोलते क्या होता। आखिरी ओवर में जो है पिछले इनिंग में जो है मैच बदली थी और
आखिरी ओवर तक जो है क्रिकेट में बताने नहीं आता। आखिरी ओवर में जो है प्लेयर आकर 6 बॉल 6 सिक्स मारकर जो है पूरी मैच को जो है अपने फेवर में, अपने टीम के फेवर में कर सकता है भाई। बहुत ही शानदार चल रही मैच है। भाई एक और विकेट यहां पर ले लिया है भाई ने। बहुत ही खूबसूरत था ये, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है यहां पर आते ही जो है वसीम भाई को आउट किया गया है। और 2 ओवर में जो है यहां पर पूरी अनस्टॉपेबल वॉरियर की टीम जो है यहां पर ढह रही है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और ये बहुत ही शानदार टीम है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। और ये भाई तो एकदम ऑलराउंडर है इनके टीम के, बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं भाई, बहुत ही शानदार। सिर्फ 2 ही ओवर में जो है पूरी टीम को जो है उन्होंने बुकना किया यहाँ पर, सिर्फ 2 ही ओवर में। वाह, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पर छक्का मार दिया है। एकदम सभी फील्डर्स को जो है दर्शक बनाया इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत था भैया शॉट। लेकिन अभी भी जो है दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी जो है 4 ओवर, अभी भी जो है 5 ओवर का मैच बचा हुआ है, अभी जो है 3रा ओवर चालू है। देखेंगे बोलते क्या होता, बोले नहीं आता। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता, बस विकेट बचाकर खेलना चाहिए। क्योंकि 4 विकेट जो है ऑलरेडी गिर चुके हैं, उनके सभी मेन प्लेयर्स जो है पहले ही जो है आउट हो चुके हैं। कैप्टन भी जो है बाबा भाई भी जो है थोड़ी देर पहले आउट हुए थे, तो बहुत ही खतरनाक है भाई मैच ये। भाई वाइड बॉल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2 रन हुए फिर से। वाह, बहुत ही शानदार भाई। भाई अभी जो आउट हुआ होता ये, लेकिन शायद इस बैट्समैन के साथ जो है उनका भाग्य खड़ा हुआ है, भाग्य ने जो है यहाँ पर इन्हें साथ देते हुए अपना विकेट जो है होने से बचा लिया। लेकिन जो कीपिंग के लिए जो रोहित भाई रुके थे, उनके चेहरे पर जो है बहुत ही बेकार जो है वार लगा हुआ है बॉल से, बहुत ही खतरनाक है भाई। बहुत जो है आराम से खेलना पड़ता, गड़बड़ नहीं करना पड़ता। क्रिकेट जो है बहुत ही खूबसूरत गेम है। एक और वाइड बॉल, भाई क्या बॉल निकाल रहे हो यार, क्या जबरदस्त बॉल था ये, भाई बॉल काट ला खतरनाक। वाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉल निकाले भाई। वाओ यार, एकदम स्ट्रेट यहां पर भाई, एक हाथ से इन्होंने यहां पर बॉल रोक दिया है। वाह, एकदम जबरदस्त फील्डिंग थी, एकदम जबरदस्त फील्डिंग थी। आखिरी बॉल 3रे ओवर का, बहुत ही शानदार तरीके से जो है ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए उनकी टीम, बहुत ही खूबसूरत जो है पहले बैटिंग की है बहुत ही शानदार तरीके से, अभी बॉलिंग और फील्डिंग भी कर रहे हैं। और यहीं पर 3 ओवर की जो है खेली खत्म हो चुकी है और 26 रन जो है हो चुके हैं 3 ओवर के बाद। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है मैच चल रही है। 3 ओवर की मैच में जो है अभी 26 रन हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी जो है 90 रन निकालने हैं अनस्टॉपेबल वॉरियर्स को। तो अभी जो है हम इनके कैप्टन साहब बाबा भाई के साथ बात करने के लिए आए हैं। बाबा भाई, कैसा चल रही मैच आपके हिसाब से? अच्छा हुआ है और हमारे प्लेयर अभी भी मैच छोड़े नहीं है। हाँ, कोशिश कर रहे, पूरी कोशिश पूरी जारी है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आप अभी भी जीत सकते हैं? अभी 4 ओवर की मैच बची है, जीत सकते हैं। बैट्समैन हमारे पास अच्छे हैं। हाँ, इंशाल्लाह मैच हो सकती है। आप बहुत जल्दी आउट हुए पहले ही बॉल पर, उसके पीछे का कोई कारण? बड़ा स्कोर था और मैं वो ओवर बड़ी करना चाहता था, मतलब कैप्टन का जो कैप्टनशिप का जो प्रेशर था वो आपको खा गया यहाँ पर। पहले ओवर में, दूसरे ओवर में समझो अपन अच्छा स्कोर से मारे तो मैच नजीक आती, तो वो हिसाब से मैं खेलने का मेरा इरादा था। लेकिन वो थोड़ा बहुत गलती की वजह से जो है आप आउट हो गए। लेकिन चलिए, क्या क्रिकेट है, गेम है, चलने वाला, कभी हार कभी जीत, कभी आप जीतोगे कभी वो जीतेंगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बाबा भाई ने बात किया है, अल्लाह जो है आपको कामयाब करे। शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बात की और इनकी टीम भी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेली लिए। अभी भी जो है वक्त है इनके पास, तो देखेंगे बोलते क्या होता आगे।
अभी भी जो है 4 ओवर का मैच बचा हुआ है, देखेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है मैच चल रही है भाई। अभी जो है 29 रन जो है हो चुके हैं, सिर्फ 4 ओवर का जो है गेम समाप्त हो चुका है, अभी सिर्फ 3 ओवर बचे हुए हैं। अभी भी जो है उनके प्लेयर पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने की, लेकिन स्कोर बहुत ही बड़ा है। अभी हर बॉल पर जो है चौका और छक्का मिलना ही चाहिए इनको अगर जीतना है तो, कोई मिरेकल ही जो है इन्हें बचा सकता है। नो बॉल गया है अभी का ये। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैच चल रही भाई। और हमारे इस दूसरे टीम के अनस्टॉपेबल वॉरियर्स के कैप्टन बाबा भाई ने भी जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना इंटरव्यू दिया है यहाँ पर। ओ भाई क्या बॉल निकाल रहे यार, क्या बॉल निकाल रहे भाई, एक से बढ़कर एक जो है प्लेयर्स यहाँ पर लेकर आए हैं वो सामने की टीम वालों ने। सभी आइकॉन के ही प्लेयर हैं यार इनके पास। वाह वाह, एकदम जम के खेल रहे भाई। कोई भी खेल जो है हार जीत मायने नहीं रखती किसी भी खेल में, उस खेल को खेलना महत्व का रहता है। और उसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये दूसरी टीम अनस्टॉपेबल वॉरियर्स की खेल रही है। भले ही वो आज हारेंगे लेकिन फिर भी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने की। और ये बाउंड्री जा चुकी है यहाँ पर, चौका गया यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त भाई, बहुत ही शानदार तरीके से जो है सेकंड लास्ट ओवर जो है शुरू हो चुका है, छठा ओवर। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इनके प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पर, एक से बढ़कर एक जो है बॉल करने वाले प्लेयर है इनके पास। भाई डेड बॉल था ये, बहुत ही सही चल रही भाई पूरी मैच। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। आखिरी ओवर बहुत ही शानदार तरीके से जो है इस पूरे मैच को जो है यहाँ पर शक्ति वॉरियर्स ने जो है जीत लिया है। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने यहाँ पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए जो है इस मैच को खेला है। एक और वाइट बॉल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैच हुई भाई। अनस्टॉपेबल वॉरियर्स ने पूरी कोशिश की, बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से की उन्होंने, लेकिन फिर भी जो है उनके एक ही प्लेयर ने जो है शक्ति वॉरियर्स के टीम के एक ही प्लेयर ने जो है आकर पूरा जो है गेम का जो है काया पलट किया। और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जो है अपनी टीम का स्कोर 116 रनों तक जो है ले जाया। और अनस्टॉपेबल वॉरियर्स जो है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इस मैच को हारने की कगार पर जा रहे हैं। सिर्फ 3 बॉल बचे हुए हैं और इसमें जो है उन्हें 50 से भी ज़्यादा रन जो है निकालने हैं। एक और वाइड बॉल, बहुत ही ज़बरदस्त भी भाई मैच है, वन साइडेड जो है मैच इन्होंने जीत लिया है यहाँ पर। ओ भाई बाबा भाई जो है बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, अनस्टॉपेबल वॉरियर्स के जो कैप्टन है उन्होंने पहले ही कहा कि क्रिकेट है गेम है, अनिश्चितताओं का खेल है, हार जीत चलती रहती है, आज हम जीत रहे हैं कल वो जीतेंगे, है ना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है मैच हुई है। और इसी प्रकार से जो है सेमीफाइनल को जो है यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहाँ पर सेमीफाइनल को इस बेहतरीन टीम ने जो है जीत लिया है। बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से शक्ति वॉरियर्स इस टीम ने जो है इस मैच को वन साइडेडली जो है जीत लिया है भाई, वन साइडेडली जीत लिया है। बहुत ही खूबसूरत मैच हुई भाई। तो फिर चलिए अभी सीधा फाइनल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से फाइनल मैच होती है। चलो तो फिर भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से सेमीफाइनल मैच हुई आज, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फाइनल भी आज होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सेमीफाइनल मैच हुई, जिसमें जो है दोनों ही टीम बहुत ही अच्छी तरीके से खेले, लेकिन उसमें जो है जो एकता टीम जो थी, एकता नाम की जो टीम थी सोलापुर की, उन्होंने जो है वन साइडेड तरीके से जो है आज दिन भर में जो है सलग 2 मैच जीते लें। और इसी प्रकार से जो है वो फाइनल मैच में पहुँचे लें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज जो है उनकी फाइनल मैच हमारी इस टीम के साथ होने वाली है।
बहुत ही शानदार तरीके से वे दोनों भी मैच हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वेला है। तो फिर चलिए देखते हैं फाइनल मैच में क्या होता है कि नहीं। अगर आपको आज की ये मैच पसंद आई है तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ। और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। सो हियर वी हैव सचिन सर। सो सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर टीम्स परफॉर्मेंस टुडे? यस, टुडे इज अ गुड परफॉर्मेंस, एवरीवन प्लेड वेरी वेल। स्पेशली आई वांट टू टेल यू दैट यूसुफ प्लेड रियली वेल गुड बैटिंग, सो दैट वी रीच दैट 62 समथिंग स्कोर, एंड इट्स अ गुड बैटिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक दैट इफ यू हैव बैटेड वेल देन द स्कोर विल बी अनदर स्टोरी। आई कमिंग एंड बैट देयर शुड बी सम एडेड रन्स इन आवर टीम, एब्सोल्युटली परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड, दैट्स माय।